मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता को एकजुट होने का निर्देश दिया है और वही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी किया है। कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाए। भाजपा चुनाव हार चुकी है, कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हो जाए और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। यह षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठनों के प्रमुख और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाए और निष्पक्ष मतगणना करे। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है, कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुए और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय वहां रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।